आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना अत्यंत हृदय विदारक है, पीड़ादायक है, दुखदायी है और कल्पना नहीं की जा सकती जितनी दरिंदगी उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुई। अब वो मामला सीबीआई के पास है, उसके मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन लोगों पे और कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं ऐसी मांग करता हूं कि सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इस मामले को जल्द से जल्द दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो एक उदाहरण बने, जैसा निर्भया के मामले में हुआ था या दूसरे जो ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं उन मामलों में होता है, तो ये करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नए सेफ्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए महिलाओं के लिए, सेंट्रल कमेटी बनाई जाने वाली जो प्रपोज करेगी सेफ्टी मीडर्स हेल्थकेयर पर्सनल्स की, आपको लगता है कि ये सब काफी है? और मुझे लगता है कि इसमें बहुत व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है और घर घर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि महिला हिंसा, यौन हिंसा आज सड़कों पे, मेडिकल कॉलेज में, होटल्स में ऐसी घटनाएं तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ घरों के अंदर और रिश्तेदारों के द्वारा जो यौन हिंसा के मामले आ रहे हैं उसको रोकने के लिए तो बहुत व्यापक अभियान और जागरूकता करने की जरूरत है। वहां पे ममता बनर्जी के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए, उन्होंने जो प्रोटेस्ट बीजेपी से ड्रामेबाजी करी, बीजेपी के वहां के लोकल एमपी, केंद्रीय मंत्री, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप नहीं। मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीतिक खेल का विषय नहीं है, ये संवेदनशीलता का विषय है और इसमें संवेदनशीलता के साथ ही परिचय देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो इसमें राजनीति का खेल बनाने से तो कुछ हासिल होगा नहीं, इसको निश्चित रूप से संवेदनशीलता का परिचय सबको देना होगा। केंद्र सरकार, ऐसी खबर आ रही है कि लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी के 45 को फिल करी, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मल्लिकार्जुन। तो ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई, लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया? कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। सबसे पहले वो मामला मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पार्लियामेंट में भी उठाया था कि इसमें करीब करीब 18 से 22 हजार छात्रों का जीवन बर्बाद किया गया, उनका आरक्षण खाया गया है। पिछला वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, बावजूद इसके नहीं सुना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है, इसमें कुछ छिपा नहीं है कि बीजेपी का मकसद है इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना। वक्फ बोर्ड के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी की मीटिंग होने वाली, आपकी क्योंकि 22 तारीख को मीटिंग है उसकी और उस मीटिंग में मैं शामिल होऊंगा और अपनी बात रखूंगा वहां पर। सभी दलों के उसमें लोग हैं, विपक्ष के भी कई लोग हैं, आप लोगों ने विरोध भी किया था पार्लियामेंट में। विरोध का एक स्पष्ट कारण है, विरोध का कारण यह है कि भाई किसी धर्म के व्यक्ति ने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुरुद्वारे के लिए या मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए या चर्च के लिए
अपनी जमीन दान दी या स्कूल के लिए दान दी या धर्मशाला के लिए दान दी, आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? विरोध का कारण यह है, क्योंकि यह सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगला नंबर गुरुद्वारे की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद चर्च की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद दलितों की जमीनों पर कब्जा करना होगा। इनका तो मकसद है जमीनों पर कब्जा करना। भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन उठा के इन लोगों ने अडानी को दे दी अयोध्या में, तो इनका मकसद है जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को देना। यह सिर्फ वक्त तक नहीं रुकेगा, इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है। कल को मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे लोग, ये महाधूर्त लोग हैं इस देश की सत्ता पे। इनका मकसद है देश का भला नहीं, अपने दोस्त का भला करना। तो अपने चंद दोस्तों को अब किसानों की जमीन ले नहीं पाए, एक साल तक वो धरने पर बैठे रहे, वरना अब तक किसानों की जमीन कब्जा हो गई होती, जो 3 काला कानून आया था। हम क्या कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे कि इस काले कानून में सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देंगे। तो रेल की जमीन कब्जा कर ली, सेना की जमीन कब्जा कर ली, वफ की जमीन अब कब्जा करेंगे, फिर मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे, फिर गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करेंगे, चर्च की जमीन कब्जा करेंगे, दलितों की जमीन कब्जा करेंगे, आदिवासियों की जमीन, यही करेंगे ये। आप देख लीजिएगा।